अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तैयार करेंगे नवाबी सेवई, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी सेवई बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और जूसी सेवई तैयार हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इस तरह की बारीक सेवई ली है, ये भुनी हुई नहीं, फ्राई की हुई, घी में फ्राई की हुई सेवई है। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। मैंने इसे अब इसे हम एक कढ़ाई में डाल देंगे। अब उसे अच्छी तरह और अच्छी तरह से भून लेंगे, भूनते भी जाएंगे और उसे बारीक करते भी जाएंगे कि जो लंबी लंबी डंडियाँ हैं वो सब अच्छी तरह हम बारीक कर देंगे। अच्छी तरह मीडियम लो फ्लेम पे हम अच्छी तरह भूनेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। वैसे तो उसमें पहले से ही घी है, हम उसे और थोड़ा घी डालेंगे। मैंने थोड़ा ही घी ऐड किया है। अब उसमें घी में और अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे, ये पीसी हुई शक्कर है, इसे हम 4 चम्मच शक्कर डाल देंगे। अब इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर है, वो भी इसमें हम डाल देंगे। मिल्क पाउडर से भी हमारे सेवैयों को बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से काजू, उसे मैंने दर दर से कूट लिया है, वो भी इसमें हम डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने 3 कप दूध ले लिया है, उसे हम अच्छी तरह उबाल लेंगे। हमें 5 से 7 मिनट तक इसे अच्छी तरह उबलने देंगे। इस तरह अब इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर, 4 बड़े चम्मच शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करें, किसको ज़्यादा मीठा लगता, किसी को कम मीठा लगता, वो हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। इस तरह की साइड साइड की जो मलाई होती है वो उसमें मिक्स कर। अब इसे भी हम अच्छी तरह उबलने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड, वेनिला कस्टर्ड। इसे मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड लिया और उसे दूध में अच्छी तरह घोल लिया और वो इसमें धीरे धीरे 1 चम्मच से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये वेनिला एसेंस, 4 से 5 बूंद हम वेनिला एसेंस भी डालें, इससे भी हमारे सेवैयों को बहुत ही अच्छी खुशबू आएंगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह तैयार हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो हमें इस तरह का कस्टर्ड चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं और बहुत ही पतला भी नहीं, और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इस तरह का मैंने एक बाउल ले लिया है, आप चाहे तो कोई और भी बाउल ले सकते हो। केक टिन में भी बहुत ही अच्छा सेवई बन जाती है। अब ये हमने भुनी हुई सेवई है वो इसमें आधी डाल देंगे और इसे इस तरह पूरी अच्छी तरह फैला देंगे और चम्मच से या किसी और चीज़ से भी आप इसे दबाकर सेट कर देंगे। इस तरह का एक ग्लास लेकर उसे धीरे धीरे हल्के हाथ से इस तरह दबाकर हम उसे अच्छी तरह सेट कर देंगे। इस तरह हमने सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हम
हमारा तैयार किया हुआ कस्टर्ड धागे। आप चाहे तो और भी लेयर बना सकते हो, एक लेयर सेवई की, एक लेयर कस्टर्ड की, एक सेवई की, इस तरह दो से तीन लेयर बना सकते हो। अब इसके ऊपर हम हमारी बची हुई सेवई डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने उसकी बची हुई सेवई इसमें इसके ऊपर अच्छी तरह फैला दी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास हो वो इसके ऊपर आप डाल दें। इसे अच्छी तरह हम फैला देंगे। ये सेवई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची लगती है। तैयार हो गई है हमारी नवाबी सेवई। तैयार हो चुकी है हमारी नवाबी सेवई। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।